गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सिंह, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, यस्टरडे आई कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 16. टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर नंबर 17, प्रीपोजिशन, लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम. स्टूडेंट्स, अ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन. प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आती है एंड यूजुअली एक्सप्रेसेस समथिंग अबाउट इट्स पोजिशन, और अक्सर इसकी पोजिशन मीन्स स्थिति, प्लेस और टाइम के बारे में बताती है इन रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और जो सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स हैं उनके रिलेशन के बारे में जो है ये क्लियर करती है. प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशन एंड डायरेक्शन. प्रीपोजिशन लोकेशन और डायरेक्शन के बारे में, द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिस्ट ऑफ कॉमन प्रीपोजिशन. नीचे दी गई टेबल में कुछ कॉमन प्रीपोजिशन दी गई हैं ऑफ लोकेशन, लोकेशन की एंड डायरेक्शन. मींस नीचे दी गई टेबल में कुछ प्रीपोजिशन लोकेशन और डायरेक्शन के साथ साथ जो है मींस लोकेशन और डायरेक्शन के बारे में दी गई हैं अलोंग विद देयर मीनिंग, उनका मीनिंग और उनके एग्जांपल के साथ. स्टडी द टेबल केयरफुली. टेबल को सावधानी पूर्वक स्टडी करें. प्रीपोजिशन मीनिंग एग्जाम्पल. एट लोकेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजिशन, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन या पोजिशन. एग्जाम्पल, मीट मी एट द बस स्टॉप आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद मुझे बस स्टॉप पर मिलना. अबाउट हायर देन समथिंग, यानी कुछ से ऊपर. द फ्लैट अबव आर्स इज एम्प्टी. हमारा जो ऊपर वाला फ्लैट है वो खाली है. लाइक दिस ऑल द प्रीपोजिशन गिवन इन द टेबल यू विल स्टडी क्लियरली एंड इन दिस स्पेस यू विल स्टडी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज पॉइंट ए. एक्सरसाइज पॉइंट ए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट से, ब्रैकेट में प्रीपोजिशन दी गई है, उनमें से हमें करेक्ट प्रीपोजिशन को चुनना है टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए. सो स्टूडेंट लिसन केयरफुली. फर्स्ट सेंटेंस, विल लिव इन पुणे. हेयर वी विल फिल इन. सेकेंड सेंटेंस, वुड यू लाइक टू गो टू सिनेमा टू नाइट. क्या आज रात आप सिनेमा जाना पसंद करोगे. थर्ड सेंटेंस, नो थैंक्स, आई वॉज एट द सिनेमा यस्टरडे. नहीं धन्यवाद, मैं कल सिनेमा गया था. नंबर फोर्थ सेंटेंस, वी आर गोइंग ऑन होलीडे नेक्स्ट वीक. हम अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहे हैं. नंबर फाइव सेंटेंस, देर इज अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर. रिवर को पार करने के लिए नया पुल, नया ब्रिज है. नंबर सिक्स सेंटेंस, द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता गोज थ्रू पटना. द ट्रेन फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से पटना के, कोलकाता के लिए ट्रेन पटना से होकर जाती है. थ्रू, थ्रू मीन्स होकर, यानी वहां से होकर गुजरना. नंबर सेवन सेंटेंस, आई हैव मैनी पोस्टर्स ऑन माई वॉल. आई हैव मैनी पोस्टर्स ऑन माई वॉल.
यानी मैं अपनी वॉल पर काफी पोस्टर रखता हूं, मेरी वॉल पर काफी पोस्टर है। नंबर 8 सेंटेंस, हु वॉज द पर्सन सीटिंग बिसाइड मी, मेरे पास बैठा हुआ व्यक्ति कौन था। नंबर 9 सेंटेंस, कम इनटू द सीटिंग रूम एंड रिलैक्स, सीटिंग रूम में आइए और अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए, आराम महसूस कीजिए। नंबर 10 सेंटेंस, देयर इज नथिंग अबाउ माउंट एवरेस्ट अदर देन द स्काई, माउंट एवरेस्ट में ऊपर कुछ नहीं है स्काई के अलावा। प्रीपोजिशंस आर ऑफन यूज्ड इन नोटिसेस, हेयर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, घास पर मत घूमो, नो पार्किंग बियॉन्ड दिस पॉइंट, कीप टू द राइट। इन थ्री सेंटेंसेस देर आर सम प्रीपोजिशन हैव बीन यूज्ड। एक्सरसाइज बी पॉइंट, चूज अ प्लेस वेयर वन इज लाइकली टू सी मैनी साइंस, किसी प्लेस को चुनिए जिसमें काफी साइन देखने के लिए हों, सच एज इन द वेटिंग रूम, जैसे कि वेटिंग रूम ऑफ अ क्लिनिक, क्लिनिक का और हॉस्पिटल का, एट द रेलवे स्टेशन या रेलवे स्टेशन, और द एयरपोर्ट या एयरपोर्ट, एट अ स्विमिंग पूल या किसी स्विमिंग पूल को, एट अ सुपरमार्केट या किसी सुपरमार्केट, एटीसी आदि के बारे में। और राइट डाउन सम रिलेवेंट नोटिसेस फॉर द प्लेस यू हैव चूजन, और जिस प्लेस को आपने चुना है उसके बारे में कुछ नोटिस लिखिए। मेक श्योर टू यूज प्रीपोजिशन इन ऑल द नोटिसेस, और प्रीपोजिशन को ठीक से यूज कीजिए नोटिसेस में। तो ये स्टूडेंट्स, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, यू टेक एनी पॉइंट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड यू विल राइट योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन एंड देयर यूजेस, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन हैं और उनका यूज। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट फॉर टॉपिक्स मीनिंग व्हाट अबाउट, एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट यू, हम आपके बारे में बातें कर रहे थे, यानी किसी के बारे में कोई बात कहना, कुछ करना, तो वहां पर अबाउट का यूज करते हैं। अमंग, रेफरिंग टू मोर देन टू थिंग्स और पीपल, यानी किसी दो से अधिक पीपल्स के बीच में किसी चीज को डिवाइड करना, वहां पर प्रीपोजिशन अमंग आती है। मीन्स सिट अमंग योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में बैठ जाइए। लाइक दिस यू विल स्टडी ऑल द टेबल ऑफ द प्रीपोजिशन इन द लास्ट विद इन द कंपनी ऑफ और accompanied by, example play with friends, friends के साथ खेलो, have some bread with your soup, like this having or possessing something, example the green t-shirt with a collar, like this you can use the preposition. Now we will fill the exercise point C. Complete the sentences by choosing the correct preposition from the given option. Sentence number 1, she is very angry with you, वह आपसे बहुत नाराज है। This tonic is good, this tonic is good for children, ये tonic बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। Number 3 sentence, I know I can rely on her to finish the work. Next sentence number 4. Have faith in him. Have faith in him. He will not let you down. आप उनमें विश्वास रखें, वो आपको डाउन नहीं होने देंगे। नंबर 5 सेंटेंस, डिवाइड द फूड अमंग द पीपल, लोगों में फूड को डिवाइड कर दो, बांट दो।
दो से अधिक हैं तो वहां पर अमंग प्रीपोजिशन यूज करते हैं. वी कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द ट्विन्स. यहां पर दो के बीच में बात आ रही है तो यहां पर हम बिटवीन का यूज करेंगे. नंबर सेवन सेंटेंस, द एथलीट्स रैन अराउंड द ट्रैक. एथलीट्स ट्रैक के चारों ओर दौड़ा. नंबर एट सेंटेंस, द डॉग वॉज रनिंग राउंड इन सर्किल्स. नंबर नाइन सेंटेंस, दिस पेंटिंग बाय पिकासो इज सेड टू बी वर्थ $20 million. सेंटेंस नंबर टेन, सेवरल प्लेज ऑफ शेक्सपियर. शेक्सपियर के बहुत से यानी अनेकों प्लेज हैव बीन अडॉप्टेड एज फिल्म्स. वे फिल्म के रूप में ले लिए गए हैं. स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू विल फिल और टिक ऑल द एक्सरसाइज इन योर बुक. ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट.